अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर सबसे पहले कर लेते हैं आज की अच्छी और खूबसूरत सी बात। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ। ये तो बहुत ही अच्छी और छोटी सी प्यारी सी बात हो गई। रेसिपी की तरफ चलते हैं हम अपनी। आज हम बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन, और ये बहुत मज़े के बहुत टेस्टी बनते हैं। हम बाज़ार से ऑर्डर करते हैं, बाज़ार से मंगाते हैं, बट आज हम घर में बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपी। इसके लिए मैंने, देखें, ये फ्राइड चिकन के लिए ये ले लिए हैं, चिकन लेग्स लिए, और उसमें मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। ये देखें, ये ऑलमोस्ट 1 kg से ऊपर है। इसके अलावा मैंने लिया है सोया सॉस, लिया है मैंने 2 tablespoons, सिरका लिया है मैंने 1 tablespoon, लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 tablespoon। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट और फ्लेवर हो जाता है। इसके अलावा मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, लिया है 1 tablespoon। 1/2 teaspoon मैंने नमक लिया है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, ऑलमोस्ट 3 cups लिया है, ये कोडिंग के लिए काम आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करनी है मैरिनेशन। सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। नमक चला गया, लाल मिर्च पाउडर, सिरका, देन सोया सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, इसको मिक्स करते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया, देन इसमें हम अपने चिकन की लेग्स ऐड करेंगे। और ये देखें, इस तरीके से आपने इसको, ये जो हमने कट्स लगाए हैं, इसके अंदर अच्छे से फिल करना है ताकि इसका टेस्ट अच्छे से इसमें डेवलप हो जाए। और ये ऑलमोस्ट हमने 3 to 4 hours के लिए फ्रिज में रख देंगे, इसको कोडिंग करके, मैरिनेट करके, सॉरी। इस तरीके से ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और अच्छे से टेंडर भी होगी जब हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। इससे ये होगा कि जो बिल्कुल फीके फीके से बनते हैं ना, तो वो नहीं बनेंगे, बड़ा टेस्टी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और फिर मैं आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद दिखाती हूँ। कवर करके इसको फ्रिज में रखते हैं। देखें गाइस, 4 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसको ऑलमोस्ट 4 घंटे के लिए रखा था। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बट आपने मिनिमम 2 से 3 घंटे तो रखना है, ठीक है। अब करते हैं इसको फ्राई और इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने जो मैदा लिया था कोडिंग के लिए, ये हम एक बड़े बर्तन में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 tablespoon मैंने भर भर के इसको कॉर्नफ्लावर लिया है, ये डाल देंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। देन इसमें नमक 1/2 teaspoon, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। मिक्स हो चुका है, देन अब ये हमने अपने चिकन ले लिए, चिकन के पीसेस, इसको अच्छे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हाथों से आपने प्रेस करना है, आप देख लीजिए ऐसे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर रिसीव हो सके। ये देखें, आपको तकरीबन इसको 1 मिनट तक तो इसको प्रेस करना है। ये देखें, अब आपने इसको ऐसे झाड़ लेना है, ठीक है। अब ये मैंने पानी लिया है 1 बाउल में, ये नॉर्मल वाटर है, ये देखें, इसमें डिप करना है। ये ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल है, नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है। ये देखें, ऐसे ये निकाल देना है, ऐसे झाड़ लेना है। देन अगेन आपने मैदे में डिप करना है, ठीक है, इस तरीके से इसकी कोडिंग करनी है। वापस से ऐसे ही प्रेस करना है जैसे हमने स्टार्ट में किया था, ऐसे करके प्रेस करना है। ये देखें, अब इसको आपने इस तरीके से झाड़ लेना है। ये देखें, इसके क्रम्स देखें आप, ये देखें, ठीक है। और ऑयल मैंने ऑलरेडी गरम रख दिया है, अब मैं इसमें फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये आपने ऑलमोस्ट 15 to 16 minutes तक इसको फ्राई करना है, और स्टार्ट में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, नो टच। नेक्स्ट को भी मैं इसी तरीके से करूँगी जैसे मैंने पहले करी थी, ये देखें। और इसी तरीके से मैं बाकी की सारी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अगेन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसको प्रेस करना है आपने अच्छे से ऐसे करके। ये देखें, इसको झाड़ा, अगेन वाटर में डिप किया ऐसे, बस
देन अगेन मैदे में प्रेस, ये देखें अगेन मैंने इसको किया और ऐसे आपने झाड़ लेने। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, ये देखें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरीके से मैं सारी फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, ये देखें मैंने इसको टर्न कर दिया है। ये देखें ज़बरदस्त से क्रम्स बन चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं स्लो स्लो करके इनको टर्न कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल भी मैंने हाथ नहीं लगाया था इनको स्टार्ट में। ये अब 12 मिनट हो चुके थे तकरीबन, तब मैंने इनको टर्न किया है। अब दूसरे साइड से भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी गोल्डन प्यारा सा कलर आने तक। ये इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। ये देखें ये तकरीबन अच्छे से फ्राई हो जाएं, उसके बाद फिर इसको निकालेंगे ताकि ये अंदर से टेंडर हो जाए। ठीक है, अब इसको फ्राई करते हैं दूसरे साइड से। चलें जी, ये फ्राई हो चुकी है दोनों साइड से ऑलमोस्ट। अब इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको निकालते हैं, ऐसे अच्छे से झाड़ लें। और अब आप, मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं, ये देखें इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त लुक आया इसका, सेम बाज़ार जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये देखें मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें बड़े मज़ेदार से फ्राइड चिकन हमारे बिल्कुल रेडी है। इसका लुक देखें, इसके क्रम्स चेक करें आप, बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बने हैं। मैंने ट्राई करा है, आप भी बनाएं, बनाकर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसे बनाए। तो इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।